साई के उदी से नूर मिलता है, गमे दिलों को सुकून मिलता है, जिनके शीश झुके साई के दर पे उन्हें कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। नमस्कार, प्रणाम, ओम साई राम। मैं शिरडी के सचिन आप सभी साई भक्तों का शिरडी टीवी सफर विश्वास का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मेरे साथ में है जो मेरी दीदी जो कलकत्ता से है, मंजू दीदी। उनके जीवन में बाबा ने किस प्रकार लीला रचाई वो आप सभी के साथ में हम साझा कर रहे हैं। तो दीदी से सबसे पहले मैं कहूँगा कि दीदी आपका ओम साई राम। ओम साई राम। बाबा के सामने ही आपको ओम साई राम। ओम साई राम। दीदी आप बाबा से कब से जुड़े हैं ये मुझे बताइए। बाबा से तो बचपन से ही जुड़े हैं, लेकिन बाबा के यहाँ आए हैं आज से 22 साल पहले। अच्छा। हमारे गुरुदेव के साथ आए थे। अच्छा। गुरुजी ने लेके आए थे हम लोग को, उसी टाइम से बाबा से मिले। तो दीदी के साथ में बाबा ने ऐसी लीला की है कि आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो दीदी आपके साथ में जो भी बाबा ने लीला की है सभी के सामने आप बता दीजिएगा। ओम साई राम। जय साई राम। बाबा का क्या बताए, बोलने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन आ जाता मन में कभी कभी। 22 साल पहले आए थे बाबा से, मंदिर में मिले, दर्शन किए, और उस टाइम ये पता नहीं था जी बाबा साक्षात दर्शन दिए। आज वो चीज़ की अनुभूति होती है जी वो बाबा ही थे। शिरडी से दर्शन करने के कुछ 1.5-2 महीना के बाद बाबा कोलकाता आए थे। कैसे आए कैसे नहीं आए कुछ पता नहीं, लेकिन कोई एड्रेस नहीं। शिरडी में कोई संत सब मिले, उनको कोई एड्रेस नहीं दिए हम, सिर्फ मिले बाबा जैसे कोई रहते फकीर। अचानक देखे 1.5-2 महीना बाद, दिसंबर में हम आए थे 22 साल पहले, उसके बाद 1-1.5 महीना बाद बाबा आए। आके बोले, खिड़की से ऐसे पर्दा हटा के बोले, बेटा देख तो कौन आया। उस टाइम तो हम थम गए, बाबा को अंदर बुलाए। बाबा खड़े खड़े बस एकदम सुन हो गए, जैसे पता नहीं क्या है। बाबा को बैठा है, बाबा बैठे। उस टाइम तक पता नहीं चला था जी ये बाबा ही है, सोचे बस शिरडी के कोई फकीर है, जैसे कोई आते हैं साधु महात्मा, भाई अपने यही सीखा हुआ है, कोई आते हैं उनको सत्कार करना चाहिए, वैसे उनको भी बैठाए। बस खाली रोए जा रहे, रोए जा रहे। उस आंसू में आंसू निकल रहा, लेकिन उसमें मन में शांति मिल रही है। एक आंसू निकलता तो मन में दुख होता है, लेकिन बाबा जब खड़े थे आंसू थे उनमें, मन में शांति मिल रही थी। तो बाबा ने उस टाइम बोला जे बेटा तू चिंता मत कर। तो बाबा से हमने यही कहा, बाबा बस अब किराए के घर में मत भेजना, बच्चे लोग पढ़ ले, इनका स्वास्थ्य ठीक रहे, और ये जो मेरे राधा किशन जी है ये अपने घर में ही जाए। ठीक है, बाबा बैठे। अचानक ही घर पे सब आने लग गए, पता नहीं बाबा को कोई देखा या बाबा बुलाए, कुछ भी मालूम नहीं। आते 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 बाबा 5-6 घंटा एक ही स्थान में बैठे थे, तभी तक नहीं पता चला ये बाबा है। बाबा मुझे लड्डू दे रहे सबको, जो भी आ रहे घर में, कम से कम जिसके घर में जल्दी से कोई आता नहीं है, उधर शहरदारी है, सब अपने अपने में मस्त रहते हैं, लेकिन कम से कम 30-40 जन आ गए। कोई अपने घर से चाय लेके आ रहे हैं जे बाबा आए, जे जाके चाय देते हैं, इनके घर में कोई आए हैं, सबको बाबा प्रसादी में लड्डू दे रहे। मुझे बाबा ने बोला, बेटा तुझे क्या चाहिए। बोले बाबा मुझे क्या चाहिए वो तो आप ही जानते हो। बाबा ने उसी झोली से, वो छोटी सी झोली थी, उसमें से थे कितने लड्डू निकाले मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे बाबा ने एक उधी दिए थे। उस उधी लेने के बाद हम तो मंद बुद्धि है, हम यही सोचे मेरे पास तो कोई घर बनाने के ना पैसा ना कोई कुछ, दाल रोटी वाले हैं, और आज भी दाल रोटी ही चाहते हैं बाबा से, शकुन की दाल रोटी ही चाहते हैं, ज़्यादा नहीं चाहिए, बस याद बनी रहे और कुछ नहीं, कोई भी तरह से बाबा को भूलू ना। तो उदी ले जाके जो जमीन लिया हुआ था, जैसे तैसे जमीन लिया हुआ था छोटा सा, उसमें उदी डाल दिए। संघर्ष हुआ, जमीन बिकने भी चला गया, लेकिन मंद बुद्धि था, ऐसे ही बोले ये बाबा का उदी ले जाके डाल देते तब कोई जमीन बेचेगा नहीं। पति बोल रहे थे जमीन बेच दो, जमीन रखना नहीं है।
लेकिन बाबा का उदी ले जाके बोले, बाबा मेरे पास बालू सीमेंट कुछ भी नहीं है, आप जानो। वहाँ उदी डाले, उसके बाद से सब कुछ हुआ, लोन पास हो गया, पैसा मिल गया, किया सब पति नहीं लेकिन बाबा उनसे करवाया। करते करते आज अब हमारे राधा किशन जी अपने घर में चले गए, वहाँ बाबा भी बैठे हैं। और यहाँ जो बाबा जी का, बाबा का समाधि स्थल है क्या, यहाँ पे जो नीम के पेड़ है, गुरुस्थान जो बाबा के है, पता नहीं ऐसे जा रहे थे तो पेड़ से ऐसे फल गिरा, पत्ता गिरा, उसको हम डाल लिए भाई, प्रसादी है। और नीचे एक ठो, उसमें भी वो कच्चा फल था, पक्का नहीं था, नीचे एक डंडी में गिरा, तो किसी ने बोला बेटा पत्ता ले ली, फल ले ली, डंडी नहीं लेगी। तो मैंने सोचा ठीक है उठा लूँ, डंडी उठा के आंचल में बांध ली। बांधने के बाद उस बीज से कलकत्ता जाने के बाद, उस टाइम ये ऐसी ट्रेन वगैरह कुछ आने का क्षमता नहीं था, ऐसे ही नॉर्मल स्लीपर में आते थे, लेकिन वो फल ले जाके उस बीज को अंकुरित करके आज भी हमारे यहाँ जमीन नहीं है, गमले में है, आज भी बाबा के आज 16 साल हो गया, आज भी वो पौधा हुआ 16 से ज़्यादा ही हो गया, वो पेड़ आज भी नीम का बाबा का है मेरे पास, तो मेरे लिए वो प्रसादी है। और बाबा का क्या बोलूँ, मेरे अंदर लफ्ज नहीं है बाबा के लिए बोलने के लिए। बाबा की ऐसी ही महिमा अपरंपार है, हर किसी भक्त के साथ में बाबा अपने लीला रचाते थे, जिस प्रकार कृष्ण भगवान लीला रचाते थे उससे उसी प्रकार बाबा भी लीला रचाते हैं। और बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और बाबा का, और ये बाबा ही हमारे आज राधा रानी के पास लेके जा रहे हैं, ये और किसी का वो नहीं है, आज राधा रानी से जो जुड़े हुए हैं ये बाबा ही लेके गई है, और ये राधा रानी मेरे कन्हैया तक लेके जाएगी। ओम साई राम, ओम साई राम। तो चलिए चैनल पर ऐसे ही आप बने रहिए, चैनल को पहली बार देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ऐसे ही बाबा की नई नई लीला हम जानते रहेंगे। ओम साई राम।